हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एप्टीट्यूड की पहली यूनिट की, जो कि हमारी टाइम एंड वर्क। तो सर, आपको टाइम एंड वर्क दे रखा हो या वर्क एंड वेजेस दे रखा हो या पाइप एंड सिस्टम दे रखा हो, तो सर ये तीनों हमारे एक ही टॉपिक पर वर्क करते हैं। और हम कह सकते हैं एक ही फॉर्मूला पर वर्क करते हैं, और हम कह सकते हैं एक ही मेथड पर वर्क करते हैं। तो अगर हम टाइम एंड वर्क को ढंग से पढ़ लेंगे तो इन दो टॉपिक के क्वेश्चन जितने भी आते हैं हमारे एग्जाम में, हम उन्हें भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं किससे, टाइम एंड वर्क से। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए W क्या है दोस्तों, W हमारा वर्क है। W क्या है, W हमारा वर्क है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये W जो होता है हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन के। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, एन के। और दोस्तों एन क्या है, एन है हमारा नंबर ऑफ पर्सन। एन क्या है, एन है हमारा नंबर ऑफ पर्सन। यानी मान लीजिए हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक काम को करने में एक आदमी लगा है, एक आदमी एक दिन में दो टेबल बनाता है, तो दो आदमी मिल जाए तो चार टेबल बना लेंगे, तीन आदमी मिल जाए तो छह टेबल बना देंगे, और चार आदमी मिल जाए तो आठ टेबल बना लेंगे। तो हम कह सकते हैं यहां हमारा वर्क क्या था, यहां हमारा वर्क था टेबल बनाना। और हमने देखा हम लोग बढ़ाते गए यहां पर, तो क्या हुआ कि हमारा वर्क भी उसी हिसाब से बढ़ता हुआ जाता है। तो हम कह सकते हैं वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और दोस्तों बात करते हैं, डब्ल्यू इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या दोस्तों, आर हमारा रेट है, रेट ऑफ इंडिविजुअल। आर क्या दोस्तों, यहां आर है रेट ऑफ इंडिविजुअल, रेट ऑफ इंडिविजुअल। दोस्तों मान लीजिए अगर एक आदमी एक दिन में दो टेबल बनाता है, यानी हम कह सकते हैं दो टेबल पर डे, ये इसका रेट हो गया। अब आदमी यही आदमी एक दिन में तीन टेबल पर डे बनाने लग जाए, तो अब हम कहें कि नहीं यार, ये एक आदमी एक दिन में चार टेबल बनाने लगे, यानी चार टेबल पर डे करने लग जाए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जब जब इस आदमी का रेट बढ़ रहा है, हमारा वर्क भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। अब देखते हैं वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है दोस्तों, टी हमारा टाइम है। तो अब इसको कैसे कह सकते हैं हम वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मान लीजिए एक आदमी एक दिन में कितने घंटे काम करता है, आठ घंटे, और कितनी टेबल बना लेता है, दो टेबल बना लेता है। यही आदमी एक दिन में 16 घंटे काम करने लगे तो कितनी टेबल बना लेगा, चार। और यही आदमी पूरा दिन काम करे, 24 घंटे काम करे, तो कितनी टेबल बना देगा, एक टेबल बना लेगा, छह। तो हम जैसा कि देख सकते हैं, जैसे जैसे वर्क बढ़ रहा है, जैसे जैसे दोस्तों टाइम बढ़ रहा है, हमारा वर्क भी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो W होगा, हमारा वर्क होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा K इंटू एन इंटू आर इंटू टी। दोस्तों K क्या है, K हमारा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाने के लिए क्या लगा लेते हैं, हम K लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ K की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। एप्टीट्यूड में अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप के को किसके इक्वल मान लेंगे, 1 के। तो जो हमें वर्क का फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलने वाला है, एन इंटू आर इंटू टी। अगर दोस्तों आपको ये चीज समझ में आया तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इंटू रेट इंटू टाइम। आपको W इक्वल टू NRT याद रखना है। अब दोस्तों इस मेथड से, यानी हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले से, हम अपने सारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन इस मेथड से हम और इस फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। आपको कोई भी एग्जाम हो, गेट एग्जाम हो, ईएससी एग्जाम हो, या एसएससी का हो, आरपीजी, किसी का भी एग्जाम हो, दोस्तों हम इस एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में क्या रखा है, 12 men कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। इन हाउ मेनी डेज कैन 16 men कंप्लीट द वर्क। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर 12 आदमी किसी काम का 1/3 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो उसी काम को अगर 16 आदमी करें तो उस काम को कंप्लीट करने में उन्हें कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन जो होने वाला है, ये कौन सा होने वाला है, हमारा टाइप 1 क्वेश्चन होने वाला है,
ठीक है दोस्तों, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला पुट, फॉर्मूले वैल्यूज पुट करना सीख रहे हैं, क्या है हमारा फॉर्मूला और फॉर्मूले किस तरीके से यूज करते हैं, और इसे हम कह सकते हैं हमारा टाइप वन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अब। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 मैन कैन कंप्लीट द वन थर्ड ऑफ द वर्क इन डेज, 8 डेज। दोस्तों हम पहले मान सकते हैं केस वन। दोस्तों केस वन क्या कह रहा है कि अगर 12 आदमी काम करें तो वो किसी काम का कितना कंप्लीट कर लेते हैं, वन थर्ड। वन थर्ड किस काम का, डब्ल्यू, मान लीजिए डब्ल्यू काम का वन थर्ड कंप्लीट कर लेते हैं कितने दिनों में, दोस्तों 8 दिनों में। अगर उसी काम को 16 आदमी करें, उसी काम को 16 आदमी करें और काम कंप्लीट, पूरा काम कंप्लीट यानी डब्ल्यू काम करने में उन्हें कितने दिन लगने वाले हैं, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा केस टू। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि डब्ल्यू इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी, ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। तो डब्ल्यू वन इक्वल टू एन वन इंटू आर वन इंटू टी वन एंड डब्ल्यू टू इक्वल टू एन टू इंटू आर टू इंटू टी टू। ठीक है दोस्तों, तो डब्ल्यू वन की वैल्यू क्या है दोस्तों, वन बाई थ्री ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू एन वन की वैल्यू क्या है दोस्तों, 12। आर वन की वैल्यू दोस्तों आर, और टी वन की वैल्यू क्या होने वाली है दोस्तों यहाँ, 8 डेज। बात करें डब्ल्यू टू की, तो डब्ल्यू टू कितना है दोस्तों हमारा डब्ल्यू, एन टू कितने वाला है दोस्तों 16, आर टू कितना वाला दोस्तों वाला आर, और टी टू कितना होने वाला है दोस्तों, टी टू होने वाला है हमें, जो कि निकालना है टी टू। अब दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं इसे, 1/3 डब्ल्यू अपॉन 12 × 8। ये दोस्तों हमारा किसको इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा, जैसे कि हम जानते हैं ये और ये आर हमारा इक्वल होने वाला है रेट, हमें रेट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम रेट को क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे दोनों ही केस में। आर क्या है, रेट ऑफ इंडिविजुअल, आर क्या है, रेट ऑफ इंडिविजुअल, तो हम मान लेंगे कि इंडिविजुअल आदमी का दोनों ही केस में क्या होने वाला है, रेट सेम होने वाला है। तो ये वाला आर इसके आर के इक्वल होगा, तो हमने इक्वल पुट करेंगे तो डब्ल्यू अपॉन 16 × T2। ठीक है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, 8 × 16, 2 से कैंसिल होगा, 6 टाइम डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल। दोस्तों हमें टी टू की वैल्यू क्या मिलने वाली है, हमें टी टू की वैल्यू मिलने वाली है यहाँ 18। दोस्तों 18 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज अलोन। दोस्तों क्वेश्चन में कह रखा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है अकेले, और बी उसी काम को कंप्लीट करता है कितने दिन में, 15 दिन में अकेले। तो पूछा गया है, इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर, अगर दोनों साथ काम करें तो इसे कितने दिन में कर देंगे, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां याद रखिएगा, एक ट्रिक यूज होने वाली है जो हर क्वेश्चन में लगने वाली है, लगभग हर क्वेश्चन में लगने वाली है आपके अगर। तो दोस्तों हम जैसे कि हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी, हम हर जगह यही फॉर्मूला तो इस्तेमाल करने वाले, डब्ल्यू इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए जिसमें एन हमारा नंबर ऑफ पर्सन होने वाला है, आर हमारा रेट होने वाला है, टी हमारा टाइम होने वाला है, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू हमारा वर्क होने वाला है। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, यानी कि देखो दोस्तों पहले हमें ए का वर्क दे रखा है कि ए काम करता है अकेले, फिर हमें दे रखा है बी काम करता है अकेले, फिर हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि ए और बी साथ काम करें तो उसे कितने दिन में कर सकते हैं, हम इसे एक टेबल में अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो पहला काम देखे तो ए अकेला कर रहा है, तो ए अकेला कर रहा है, एक आदमी कर रहा है। दूसरे काम की बात करें बी, तो बी भी अकेला कर रहा है, बट यहां जब बात करें हम ए प्लस बी की, तो यहां ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक आदमी ए होने वाला है और एक आदमी यहां बी होने वाला है। अब बात करते हैं रेट की। तो दोस्तों मान लीजिए हमने रेट ए का मान लिया है आर ए, और बी का रेट मान लिया है हमने आर बी, और हमसे कहा गया है कि ए इस काम को 10 दिन में कर देता है, बी इस काम को 15 दिन में कर लेता है, तो हमें ए और बी साथ मिलकर से कितने दिन में कर सकते हैं, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों हम इसे कैसे कर सकते हैं, दोस्तों इन क्वेश्चन में एक ट्रिक है जो हमेशा याद रखिएगा, दोस्तों हमें आर ए आर बी निकालना है, डब्ल्यू भी निकालना है, हमें कुछ नहीं दे रखा। तो इस केस में आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिए, आप टी ए
और टी बी का आप क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। अब टी ए और टी बी का एलसीएम ले लीजिए जो कि आएगा हमारा 10, 15। तो हम जैसा कि जानते हैं हमारा एलसीएम क्या आने वाला है, हमारा एलसीएम आएगा यहां 30। 10 और 15 का आप इन दोनों नंबर का कीजिए एलसीएम ले लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम क्या आने वाला है हमारा 30 आने वाला है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या मान लिया हमने, हमेशा ही आपको क्या माना है टोटल वर्क, ए टी ए का और टी बी का एलसीएम। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 30, हमने टोटल वर्क क्या मान लिया हमारा 30। अब दोस्तों हम रेट निकालने वाले ए का और बी का कैसे, हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी। तो यहां से हम लगा सकते हैं कि वर्क क्या है हमारा 30, नंबर ऑफ पीपल कितने, ए अकेला काम करने वाला है, रेट इसका क्या है आर ए, और टाइम से कितना लग रहा है 10 दिन। तो आर ए क्या निकलेगा दोस्तों, यहां से हमारा आर ए निकल आने वाला है 3। अब बात करते हैं आर बी की, ऐसे ही इस फॉर्मूले पुट करके हम आर बी निकाल लेंगे जो कि आने वाला है हमारा क्या 2। आर बी क्या आने वाला है दोस्तों, आर बी आने वाला है हमारा 2। तो यहां हम आर ए और आर बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आर ए हो जाएगा 3, आर बी हो जाएगा हमारा 2। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब हम हमसे बोला गया ए प्लस बी साथ मिलकर काम करें, तो हम यहां से कह सकते हैं रेट क्या होने वाला है आर ए प्लस आर बी, यही तो रेट होने वाला है हमारा। तो आर ए कितना है दोस्तों 3, और आर बी कितना है दोस्तों हमारा 2। वर्क हमारा कितना है टोटल 30, हमें निकालना क्या है टी। फिर से हम वही करेंगे डब्ल्यू इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, मिटा देता हूं दोस्तों इसे, नीचे साफ कर देता हूं थोड़ा। तो दोस्तों वर्क कितना है 30। अब दोस्तों यहां पर काम करने वाले दो लोग हैं, एक ए है, फिर उसकी रेट है आर ए, और उसका टाइम है जो हमें निकालना है प्लस। तो दूसरा क्या दोस्तों, यहां बे भी इसके साथ काम कर रहा है और ये कर रहा है रेट आर बी से, बट दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो टाइम तो सेम ही होगा दोनों के लिए, ठीक। तो 30 इक्वल्स टू, अब ए अकेला आदमी, रेट कितना होगा दोस्तों उसका 3, प्लस बी अकेला आदमी, इसका रेट क्या होने वाला है दोस्तों 2, और हमें टाइम निकालना है टोटल। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा 30/5, जो कि हमारा टी के इक्वल होने वाला है, तो 6 इक्वल्स टू टी हमें मिलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो इसको इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों अभी तो आपको लंबा लग रहा होगा, इसमें इतना टाइम लिया, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको इतना टाइम लग गया इस क्वेश्चन, वरना इस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन, और हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं टाइप 3। दोस्तों इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे टाइप 1 और टाइप 2, इसे हम कह सकते हैं टाइप 3। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन ने कह रखा है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 डेज, इन व्हाट टाइम कैन हिज सन डू इट अलोन। दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक काम है, मान लीजिए कोई काम है, तो एक आदमी उसे 5 दिन में खत्म कर देता है, बट अगर वो अपने बेटे के साथ करे इस काम को, किसके साथ, बेटे के साथ, तो उस काम को वो 3 दिन में कर देता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने टाइम में उसका बेटा इस काम को अकेले कर देगा, कितना टाइम लगेगा उसके बेटे को इस काम को अकेले करने में, यह दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो हम जैसा ही जानते हैं वर्क इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी, याद रखिएगा वर्क इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। दोस्तों हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से टेबल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है मैन, हमने मान लिया मैन को इससे एम से, और मैन प्लस सन को एम प्लस एस से। दोस्तों हम इसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से, पहले एम काम कर रहा था फिर एम प्लस एस काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमसे रेट नहीं दिया गया बट हमें टाइम दिया गया है। दोस्तों क्या दिया गया है, हमें टाइम दिया गया है क्या, कि अकेला काम करे तो, अगर आदमी अकेला काम करता है तो 5 दिन में कर लेगा, अपने बेटे के साथ करेगा तो 3 दिन में काम कर लेगा। अब दोस्तों ना हमें रेट दे रखा ना हमें वर्क दे रखा, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमने ट्रिक याद की थी, याद हुआ आपको, एलसीएम ऑफ टी एम एंड टी एम प्लस एस, यानी हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वही हमारा क्या होगा वर्क होगा। तो वर्क इक्वल टू एलसीएम, जैसा कि जानते हैं 15 आने वाला है इनका, जब आप दोस्तों इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। तो टोटल वर्क क्या होने वाला है हमारे लिए इस केस में, 15 होने वाला है दोस्तों। अब रेट की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, वैसे हम डब्ल्यू इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व करेंगे, एन इंटू आर इंटू टी। वर्क क्या दे रखा है हमें, 15 दे रखा है, यहां काम करने वाला आदमी एक है एम,
आर क्या है इसका, हमने मान लिया आर एम है, और टाइम क्या लग रहा है इसको दोस्तों, पांच। तो आर एम की वैल्यू क्या आने आने वाली है यहां से, आर एम की वैल्यू हो जाएगी हमारी थ्री। यानी कि रेट आदमी अगर अकेला काम करे तो किस रेट से कर सकता है, थ्री रेट से कर सकता है। बट बात करें बाप और बेटा दोनों मिलकर साथ करें, आदमी और उसका सन साथ मिलकर काम करें, तो वह तो फिर भी पंद्रह ही रहेगा। और दोस्तों यहां साथ मिलकर काम कर रहे हैं ये, तो इनका रेट कितना हो जाएगा, आर एम प्लस आर एस, यही तो हो जाएगा। और दोस्तों एक आदमी काम कर रहा है उसका रेट क्या है, आर एम प्लस, यहां दोस्तों एक लड़का काम कर रहा है उसका रेट क्या है, आर एस। और इन दोनों को साथ करने में, काम करने में कितना टाइम लग रहा है, तीन दिन। तो दोस्तों यहां से हमें क्या मिलेगा, फाइव इक्व टू आर एम प्लस आर एस। दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे आर एम प्लस आर एस को, तो आर एम की वैल्यू यहां हमें क्या दे रखी है, थ्री। यहां में आर एम की वैल्यू थ्री दे रखी है, तो आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहां से आर एस की वैल्यू आने वाली है हमारी टू। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का साथ मिलकर रेट आर एम प्लस आर एस तो कितना आने वाला है, पांच आने वाला है। बट हमारे लड़के का रेट आर एस, यानी जो हमारा लड़का है सन है, वो अकेला काम कर रहा है, तो कितने दिन में कर देगा, वो इसे कर देगा दो दिन में। तो सॉरी दोस्तों किस रेट से करेगा, टू से। तो अगर हम बात करें सन की, सन इसे अकेला कितने टाइम में करेगा, एस हुआ ये, और इसका रेट क्या है दोस्तों, टू। और जैसे कि हमने डिसाइड किया था हम एलसीएम को हमेशा वर्क लेंगे, तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा 15। तो डेज की बात करें क्या हो जाएगा, साढ़े सात। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7.5। तो 7.5 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। हम कह सकते हैं कि जब लड़का अकेला काम करेगा तो उसे कितने दिन में कर देगा, साढ़े सात दिन में। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये हम कह सकते हैं, अगला टाइप क्या हो सकता है जिसमें तीन लोग हों। हमसे बोला गया कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता हो, उसको दोस्तों 15 लेते हैं। बी किसी काम को अगर 15 दिन में करता हो अकेले, और सी उसी काम को 20 दिन में क्या करता हो, अकेले। तो अगर ये तीनों साथ मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों साथ मिल जाएं तो इस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये हमसे पूछा जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम क्या करेंगे, हमेशा इधर टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा होगा नंबर ऑफ मेंस, पर्सन ए बी सी एक काम करने वाले हैं, तो रेट फिर टाइम और फिर डब्लू। तो दोस्तों टाइम दे रखा है हमें 10, 15, 20, 10, 15, 20। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसा हम जानते हैं कि हमें अब तीन लोग दे रखे हैं काम करने वाले, तो हमें तीनों का एलसीएम लेना होगा, हमें तीनों का एलसीएम लेना होगा, और वही क्या होगा दोस्तों, हमारा वर्क होने वाला है। बट दोस्तों याद रखिएगा, ये तीनों ही काम कंप्लीट कर रहे हो तब हम एलसीएम लेंगे, अगर कोई भी इनमें से काम अधूरा छोड़ रहा होगा तो हम उसे एलसीएम में नहीं लेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया ये 10 दिन में करता है, 15 दिन में, 20 दिन में। तो दोस्तों अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो आपको 5, 2, 3, 4, 4, 3। तो दोस्तों हमें इसका एलसीएम क्या मिलने वाला है, हमें इसका एलसीएम मिलेगा 60। तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा हर केस में 60। हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसे कितने दिन में खत्म कर देते हैं इस काम को। तो अब बात करें ए का रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का रेट हो जाएगा 6, बी का रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का रेट हो जाएगा हमारा 4, और सी का रेट क्या होने वाला है दोस्तों, सी होने वाला है हमारा रेट 3। अब दोस्तों ये तीनों एक 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 आदमी है, तो हम रेट लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, तो जो कि रेट होने वाला है हमारा 6 + 4 + 3। तो हमसे कह सकते हैं 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो टोटल रेट क्या होने वाला है दोस्तों हमारा 13। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो डब्ल्यू हम जानते हैं किसकी इक्वल होगा, एन इंटू आर इंटू टी, तो उससे हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, ए अकेला काम करने वाला रेट 6 + 1 × 4 + 1 × 3। तो उससे बी भी अकेला आदमी काम करने वाला रेट 4 से कर रहे हैं, और सी किस रेट से कर रहा है, 3 से कर रहा है। अब दोस्तों इंटू टाइम, टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम हो जाएगा हमारा 13, और टोटल वर्क कितना है 60। तो यहां से हम कह सकते हैं, सॉरी दोस्तों टी निकालना है हमें, तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60/30, जो कि हमारा किसके इक्वल होने वाला है, हमारा इक्वल होने वाला है टी के। तो 60/30 13 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि क्या है, जो है क्वेश्चन हमारा, ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 and 10 days। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में कर लेते हैं, तो दे स्टार्टिंग डूइंग वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव
एंड ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन डैश डेज। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, ए किसी काम को अकेला 15 दिन में कर देता है और बी किसी काम को अकेला 10 दिन में कर देता है। अगर इन दोनों ने 7 काम करना स्टार्ट किया बट 2 दिन बाद क्या हुआ, 2 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने फिर अकेले काम कंप्लीट किया बचा हुआ सारा काम। तो पूछा गया है कि टोटल काम जो इन दोनों ने प्रोसेस में किया है, पहले 7 किया फिर 2 दिन बी ने छोड़ दिया, तो टोटल डे कितना लगा इस काम को करने में, कितने दिन लगेंगे अगर ऐसा हुआ तो काम करने में। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये हमारा अगला टाइप हो सकता है, हमसे कह सकते हैं अगला टाइप। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी पहले इस काम को अकेले करते हैं, तो ए का ये क्या दोस्तों, एम आर टी और डब्ल्यू। दोस्तों एम यहां ए है, यहां क्या होने वाला है, एम बी होने वाला है। तो हमसे कहा गया है कि पहले ए 15 दिन में अकेला कर सकता है, बी इस काम को 10 दिन में अकेला कर सकता है। अब दोस्तों हमेशा की तरह वही करेंगे, वर्क क्या आ जाएगा टोटल हमारा। अब दोस्तों एक बात और कही गई है कि फिर ए प्लस बी, ए और बी साथ मिलकर से कितने दिन तक करते हैं, 2 दिन तक करते हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि ए बचा कुचा काम अकेले करता है, ए बचा कुचा काम अकेले करता है, तो टोटल काम ये कितने दिनों में हो जाएगा, ये हमसे कहा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये 3 टाइम दिए गए हैं, बट जैसा कि हम देख सकते हैं इन दोनों कामों में ही वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है, इसमें अधूरा छूट रहा है। इन दोनों कामों में हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो जो इन दोनों का एलसीएम होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होने वाला है, 30 होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ए का रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का रेट होने वाला है हमारा 2 और बी का रेट क्या होने वाला है दोस्तों, बी का रेट हो जाएगा हमारा 3। अब यहां दोनों दोस्तों एक एक आदमी ए प्लस ए और बी, तो यहां रेट क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी। तो आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां रेट हो जाएगा हमारा 5। रेट कितना हो जाएगा, यहां रेट हो जाएगा हमारा 5। अब दोस्तों एक चीज और कह सकते हैं हम कि यहां से ऐसे सॉल्व, डब्ल्यू इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। तो यहां हमें पता है कि आर ए क्या आने वाला है, 3 और आर बी क्या आने वाला है, और आर ए क्या आने वाला है, 2 और आर बी क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो यहां से हम भी सॉल्व कर सकते हैं कि अब देखिए दोस्तों डब्ल्यू हमें निकालना है यहां कि 2 दिन में कितना काम हो गया होगा। ए और प्लस बी ने साथ मिलकर 2 दिन काम किया और फिर उसके बाद बचा कुचा काम किसने किया होगा, बचा कुचा काम ए अकेले ने किया होगा। रेट क्या ए का, 2 है। तो हम पहले देखने वाले हैं 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 1 इंटू आर ए, क्योंकि ए अकेला और आर ए रेट हुआ, प्लस 1 इंटू आर बी इंटू टी, यही तो होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं आर ए कितना दोस्तों, आर ए हमारा 2, आर बी हमारा 3, इंटू टी दोस्तों क्या हो जाएगा, इंटू 2, यहां से हमारा वर्क निकल आएगा जो कि हमारा निकल के आने वाला है किसके, 10 के। दोस्तों 30 में से 10 काम तो 2 दिन में ही हो गया होगा, तो काम कितना बचा, काम बचा 20। काम कितना बचा, 20। तो जब ए इस काम को अकेला करेगा 2 की रेट से तो कितने दिन में कर देगा, हमें पता है जब हम इसे डब्ल्यू क्वेश्चन आईटी सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा हमारा 10। तो पूछा गया है कि इस प्रोसेस में हमारा कितना टाइम लगने वाला है, तो 10 दिन तो ए अकेला काम करेगा और 2 दिन ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे। तो यहां टोटल कितने दिन लगने वाले हैं, 10 प्लस 2, ये कितना होने वाला है हमारा टोटल 12। तो 12 डेज हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली इफ दे आर डूइंग वर्क अल्टरनेटली एंड ए स्टार्ट फर्स्ट देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि किसी काम को ए अकेला 15 दिन में कर देता है, बी उसी काम को अकेला 10 दिन में कर लेता है। तो अगर ए और बी ऑल्टरनेटली काम करें, मतलब पहले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, इस तरीके से काम कर रहे हों और ए पहले स्टार्ट करे यानी ए ने स्टार्ट किया, तो कितने दिनों में काम जो है हमारा वो कंप्लीट होने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करने वाले हैं, फिर से हम भाई क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो ये दोस्तों ये क्या होने वाला है, एन होने वाला है, ये आर होने वाला है, ए टी और ये डब्ल्यू। तो दोस्तों एन यहाँ ए है, यहाँ क्या है, बी है, तो एक एक ही आदमी है। तो अब टाइम की बात करें, ये 15 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है।
तो जैसा कि हमें पता है इनका वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का वर्क हो जाएगा हमारा टोटल एलसीएम, तो एलसीएम क्या होने वाला है 30। तो टोटल वर्क क्या हो गया दोस्तों, यहाँ हमारा टोटल वर्क हो गया 30। अब बात करते हैं रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2 आ जाएगा। रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से रेट ऑफ बी हो जाएगा 3। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि हमसे कितने दिनों में काम ये कंप्लीट हो जाएगा, कि पहले ए करे फिर बी फिर ए फिर बी फिर बी ए। दोस्तों पहले यहाँ क्या काम करेगा, ए काम करेगा, फिर एक दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा। तो इस तरीके से कितने दिनों में काम कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। बात करें ए अगर एक दिन काम करता है, किस रेट से करता है, 2 रेट से, तो यहाँ कितना काम हो जाएगा, 2 यूनिट काम हो जाएगा। अब बी की बात करें, बी किस रेट से काम करता है, 3 से, तो एक दिन में बी कितना काम कर देगा, 3। तो टोटल कितना हो गया, दो दिन में वर्क होने वाला है हमारा 5। दो दिन में वर्क कितना होने वाला है दोस्तों, 5 यूनिट वर्क हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों या तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, फिर से ए में वैल्यू पुट करें और बी में पुट करें, फिर ए से फिर बी से फिर बी से, इसी तरह से वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालें। हमारे पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमें पता है कि दो दिनों का वर्क कितना है, 5 यूनिट है होने वाला है। तो अब हम कह सकते हैं कि 2/5 डेज में कितना वर्क होने वाला है हमारा, 1 यूनिट वर्क होने वाला है। तो 30 यूनिट वर्क दोस्तों कितने दिनों में हो जाएगा हमारा, 30 यूनिट वर्क हो जाएगा 2/5 × 30 डेज में। 30 यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, 2/5 × 30 डेज में, तो हो जाएगा ऐसे कैंसिल करेंगे 6 × 6 = 12। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 12 दिन में हमारा टोटल 30 यूनिट काम कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 12 डेज। तो 12 डेज हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है हमारे क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी इन 40 डेज, वाइल सी एंड ए इन 60 डेज, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट वाइल टुगेदर। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि किसी काम को ए और बी साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, 30 दिन में, और उसी काम को बी प्लस सी करें तो कितने दिन में कर देते हैं, 40 दिन में, और उसी काम को सी प्लस ए करें तो कितने दिन में कर देते हैं, 60 दिन में। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों साथ मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमेशा इधर हम क्या करेंगे, अपने टेबल बनाएंगे एन आर टी डब्ल्यू। दोस्तों एन किसके इक्वल होने वाला है, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए। और दोस्तों रेट की बात करें, रेट हमें पता नहीं है ए प्लस बी का ना बी प्लस सी का ना सी प्लस ए का, लेकिन हमें क्या पता है, टाइम 30, 40, 60। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, हम टोटल वर्क जानते हैं इन तीनों का एलसीएम, जो कि हमारा क्या आने वाला है, जो आने वाला है हमारा 120। एलसीएम क्या आने वाला है दोस्तों, हम तीनों को जानते हैं, एलसीएम आने वाला है हमारा 120। तो ए प्लस बी का रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी का रेट हो जाएगा हमारा 4। बात करें बी प्लस सी के रेट की, तो बी प्लस सी का रेट कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। और वही बात करें रेट ऑफ सी प्लस ए का रेट कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका रेट हो जाएगा हमारा 2। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर काम करें तो इसे कितने दिन में कर देंगे। दोस्तों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी, दोनों दोस्तों एक एक ही आदमी हैं, तो ये कितना है, ये दोस्तों 4 है, बट रेट ऑफ बी प्लस रेट ऑफ सी ये दोस्तों किसके इक्वल होने वाला है हमारा, 3 के। रेट ऑफ सी प्लस रेट ऑफ ए ये दोस्तों किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा 2 के। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि एक आदमी का रेट इंटू एक आदमी का रेट। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला यही है 1 RA + RB = 4। हमें मिलने वाला ये, मैं क्या कहना चाहता था आपको कि ए हमारा एक अकेला आदमी तो 1 × RA, और बी हमारा अकेला आदमी तो 1 × RB। तो हमें दोस्तों ऑटोमेटिकली क्या मिलने वाला है, हमें यही मिलने वाला है RA + RB = 4
अपॉन आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 3 एंड आर सी प्लस आर ए इज ऑल्सो इक्वल टू 2। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 4, आर बी प्लस आर सी इक्वल टू 3, आर सी प्लस आर ए इक्वल टू 2। दोस्तों हमने मान ली इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम क्या करें, एडिंग 1 प्लस 2 एंड 3। हमने क्या किया दोस्तों, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो हमें मिलेगा 2RA प्लस 2RB प्लस 2RC इक्वल टू 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 प्लस 2। दोस्तों RA प्लस RB प्लस RC 2 कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9। तो रेट ऑफ आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू, ये दोस्तों में क्या मिल जाएगा, ये हमें मिलने वाला है 9/2। तो हम कह सकते हैं इन तीनों का रेट मिला के क्या होने वाला है, 9/2। तो सो ये तीनों का रेट है, तो रेट क्या है तीनों का, 9/2। और हम जानते हैं हमारा टोटल वर्क कितना है, 120। तो सो अब हम बात करें कि कितने दिन में कर देंगे, तो हम जानते हैं 120 डिवाइड बाय 9/2, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 2/9। जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3/4 = 12, 3। तो 80/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में एक और चेंजेस हो सकता है, 80/3 तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बट इस क्वेश्चन में क्या और चेंज हो सकता है, अगर उसने कहा हमसे कि ए इस काम को अकेला कितने दिन में कर देगा, ए यहाँ इस काम को अकेला कितने दिन में कर देगा, तो यहाँ वर्क हो जाएगा हमारा 120 द्वारा से, बट रेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से हम माइनस कर सकते हैं आर ए प्लस, हम जानते हैं रेट ऑफ बी प्लस रेट ऑफ सी क्या है दोस्तों, ये हमारा 3 है इक्व टू 9/2। तो यहाँ से रेट ऑफ ए मिल जाएगा हमें 9/2 - 3। तो रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा दोस्तों, रेट ऑफ ए हो जाएगा हमारा 3/2। तो यहाँ हम 3/2 रेट कर सकते हैं, और डेज निकालने के लिए फिर से इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा 80। और अब बोला हो दोस्तों बी का निकालना हो, तो बी का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, यहाँ से पहले बी का रेट लेके निकालेंगे, फिर यहाँ आर बी पुट करेंगे, यहाँ 120 और डिवाइड कर देंगे आर बी से, तो 120 अपन आर बी, तो यहाँ हमारा बी का डेज निकलाएगा, बी से अकेला कितने दिन में कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, बट ये इजी क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं और सीखने वाले हैं उन्हें किस तरीके से करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला W=n×r×t। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो अगर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।